हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। 26 अगस्त 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। तो देखते हैं आज की हमारी पहली न्यूज़। पहली जो न्यूज़ आई है वो आई है फर्स्ट वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस ऑन काइंडनेस को लेके। क्या है ये कॉन्फ्रेंस वो हम देखते हैं। देखो, विश्व में पहली बार एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की है काइंडनेस को लेके। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यूथ कॉन्फ्रेंस मतलब इसमें युवा लोग हैं उनको पार्टिसिपेट करेंगे, और काइंडनेस ने दया भाव को प्रमोट करने के लिए कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। अब देखो, आपको एक वर्ड यहाँ पे आया है काइंडनेस, तो थोड़ा आपको दिमाग में होगा कि भाई ये काइंडनेस जैसी वैल्यूज थी वो किस पर्सन की थी। ये बेसिकली महात्मा गांधी से बिलोंग है, वो करती हैं, तो इनका भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरीके से देखो, आपको जो वर्ड्स हैं इनके बारे में थोड़ा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यूपीएससी कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछती है कि आपका पढ़ावा नहीं होता है, बट अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करने बैठो तो आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये आयोजित की गई है अभी न्यू दिल्ली में, ये आयोजित की गई है ऑर्गेनाइज बाय यूनेस्को, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इस मिनिस्ट्री के द्वारा इस स्कीम को मतलब इस प्रोग्राम को आप बोल सकते हो कॉन्फ्रेंस को आयोजित है वो किया गया है। मोटो क्या है इसका? इसका मोटो ये है कि देखो, महात्मा गांधी की जो वैल्यूज थी ना, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, यानी कि जो आज की युवा जनरेशन है उसको महात्मा गांधी की वैल्यूज़ के बारे में अवेयर करवाना और उसी रास्ते पे आगे चलने के लिए। जैसे एक तो आगे यहाँ पे एम्पैथी, आगे आ गया यहाँ पे कॉम्पैशन, इसके बाद में आ गया माइंडफुलनेस। इसका क्या मतलब हुआ? एम्पैथी का मतलब देखो ये हुआ कि आप दूसरे जो भी आपके सामने नेक्स्ट पर्सन है इसकी जगह आप खुद को रह के रियलाइज करो कि भाई अगर इस पर्सन के सामने ये प्रॉब्लम है, अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं इसके लिए क्या करता, तो वो हो गया एम्पैथी। और कंपैशन का मतलब दया भाव, कि भाई आप दूसरे के प्रति दया भाव होना चाहिए, आपके मन में नफरत घृणा नहीं होनी चाहिए। माइंडफुलनेस ये थी इस बार की इसके बारे में जो पॉइंट। अब थीम क्या थी थोड़ा वो हम देख लेते हैं। थीम थी देखो, वसुदेव कुटुंबकम, गांधी फॉर द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड आर सेलिब्रेटिंग द 150 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। देखो, अभी आपको पता है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आने वाली है, और उसी मौके पे गवर्नमेंट काफ़ी सारे प्रोग्राम भी स्टार्ट कर रही है। इवन गवर्नमेंट ने 2014 में स्वच्छ भारत अभियान भी एक कैंपेन स्टार्ट किया था, जिसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिला है। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स उनको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, और अभी जो यूथ है हमारी या ऑल ओवर वर्ल्ड की यूथ है, इसको मतलब गांधी जी की जो वैल्यूज़ हैं उनसे अवेयर करवाने के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। इसमें लगभग 27 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट है, मेम्बर्स ने पार्टिसिपेट यहाँ पर किया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है पोषण अभियान को लेके। देखो, पोषण अभियान है ना, इसको लेके न्यूज़ अभी आई है कि प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि भाई जो नेक्स्ट मंथ है, यानी कि जो सितंबर मंथ है, उसको हम एक तरीके से पोषण अभियान मंथ के तौर पे सेलिब्रेट करने वाले हैं इस साल। तो ये कंटेक्स्ट आया है हमारे लिए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है पोषण अभियान है क्या। देखो, पोषण अभियान है ये बेसिकली प्रधानमंत्री ने लास्ट ईयर यानी कि 2018 में मार्च से इसकी स्टार्टिंग की थी, राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से। इसका मोटो क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, वो हम सब देखते हैं। देखो, उसकी नोडल मिनिस्ट्री है, या हम बात करें जो मेन मिनिस्ट्री है इसकी, वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बाकी और भी जो मिनिस्ट्री हैं इनका कोलेब्रेशन इसमें देखने को मिलेगा, जैसे जैसे जिस मिनिस्ट्री की जरूरत होगी उसी के अकॉर्डिंग। तो नोडल मिनिस्ट्री वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, बाकी मल्टीपल जो मिनिस्ट्रीज को कौन मतलब बाकी जो मल्टीपल मिनिस्ट्रीज हैं उनका कोलेब्रेशन यहाँ पे होगा। और इसका ऑल ओवर मोटो यही है कि हमारे देश में जो माल न्यूट्रिशन यानी कि जो कुपोषण की समस्या है, इसे निजात दिलाने के लिए गवर्नमेंट के जो स्टेप हैं इनके बारे में लोगों को अवेयर करवाना, और गवर्नमेंट का जो टारगेट है उसको अचीव किया जा सके। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी स्कीम के बारे में अगर कोई भी डाउट होता हो, तो आप गूगल करके उसकी जो मेन ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है गवर्नमेंट की, वहाँ पे जाके उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। हो सकता है कि कई बार मार्केट में जो मैगजीन्स होती हैं वहाँ पे मिस्टेक आपको मिल सकती है। इवन जब मैं भी बताता हूँ तो देखो, वैसे तो ध्यान रखा जाता है, बट कई बार मिस्टेक हो जाती हैं, तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। हाँ, जैसे कि एक न्यूज़ थी कल की, आपको ध्यान हो तो उसमें एक मिस्टेक थी, मैंने आपको बताया था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंक थी इस बार वो थी 86। तो उसमें मैंने ये मिस्टेक कर दी थी कि भारत के जो पासपोर्ट है वो 86 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे भारत फ्री मतलब वीज़ा या वीज़ा ऑन अरेवल की सुविधा अवेलेबल है। वैसा नहीं है, लगभग आई थिंक 58 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे इंडिया के पर्सनस हैं वो बिना वीज़ा के जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे वीज़ा ऑन अरेवल की सुविधा अवेलेबल है। तो वो मैंने करेक्ट कर दिया था,
आप उसके बारे में देख सकते हो। और देखो, अगर ऐसी कोई और भी आपको मिस्टेक मिलती हैं आगे, तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक बताया करो, ताकि उसको करेक्ट है वो किया जा सके। अब हम देखते हैं हमारे पोषण अभियान की तरफ। तो देखो, पोषण अभियान की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार थोड़ा पॉइंट के तौर पे। जैसे ये आप देख रहे हो यहाँ पे, एक सेकंड, ये है ऑफिशियल वेबसाइट है indiangovernment.in। इसमें आप यहाँ पे आओगे नीचे पोषण अभियान, तो देखो उसके सारे फीचर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे कि एक अपेक्स बॉडी है, इसके लिए बनाई गई है, इसका प्रपोजल क्या है, क्यों इसको बनाया गया है, सारी प्रोसीजर है यहाँ पे, गाइडलाइंस भी आपको बाकायदा मिलेंगी। थोड़ा और छोटा करता हूँ, अब आपको कंप्लीट दिख रही होगी। ये देखो, स्कीम के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि प्रधानमंत्री ने ये स्कीम है वो राजस्थान की झुंझुनू से स्टार्ट की थी 2018 में। इस स्कीम के वेरियस न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम है, यानी कि हमारे देश में सीधी सी बात कहूँ जो कुपोषण की समस्या है ना, इसे निपटने के लिए स्कीम आई है। इसमें देखो मेनली चार चीज़ों पर फोकस किया गया है, आपको वो वर्ड ध्यान रखने हैं। एक तो स्टंटिंग इसका टारगेट है, एक अंडर न्यूट्रिशन इसका टारगेट है, एक एनीमिया टारगेट है। देखो लगभग जो आंकड़ा है ऑल ओवर वर्ल्ड का डाटा है, उसके अकॉर्डिंग हमारे देश में 50% महिलाएं ऐसी हैं जिनमें एनीमिया यानी कि ब्लड की कमी का रोग है वो पाया जाता है। और इसी के साथ एनीमिया ऐसी बात नहीं है कि लड़कों में, लड़कियों में या मतलब महिलाओं में किसी एक में होता है, ये सभी में हो सकता है। एडोल्ट गर्ल्स यानी कि जो किशोर अवस्था की लड़के हैं उनमें भी होता है। ये तो हो गए तीन, एक तो हो गया स्टंटिंग, एक हो गया अंडर न्यूट्रिशन, एक है एनीमिया, और चौथा है यहाँ पे लो बर्थ रेट। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई कौन कौन चीज़ों पे गवर्नमेंट यहाँ पे फोकस कर रही है। तो गवर्नमेंट के मेनली जो ये हमारी स्कीम है पोषण अभियान, इसमें चार चीज़ों पे फोकस किया गया है। इसके लिए गवर्नमेंट ने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रो सिस्टम है, इसको भी स्टार्ट किया है। इसके ऊपर काफ़ी सारा फोकस भी किया जा रहा है। इसके साथ देखो यहाँ पे दिया गया ये टारगेट थोड़े आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टंटिंग है, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया हुआ, इसी के साथ ही जो लो बर्थ वेट है इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। अब देखो गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि एनी जो यहाँ पे स्टंटिंग है इसको हर साल 2% कम करना है। ये थोड़ा ध्यान रखना, आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं। अंडर न्यूट्रिशन है, इसको भी हर साल 2% की रेट से कम करना है। एनीमिया को 3% की रेट से कम करना है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना फिर कि एनीमिया का गवर्नमेंट ने टारगेट ये रखा है कि उसको 3% हर साल है वो कम करेंगे। इसी के साथ ही जो लो बर्थ वेट के बच्चे हैं इनके भी फोकस किया जाएगा, और वो रेट रही है 2%। तो बस एनीमिया के लिए 3% की रेट रखी है, और बाकी के लिए सब के लिए 2-2% पर ईयर है वो फोकस किया गया है। तो ये आपको इसके टारगेट ध्यान रखना है जो यूपीएससी पूछ सकती है। इसी के साथ इसमें मिशन 25 वो यही है कि भाई 2022 तक हम 25% तक कम से कम कम यहाँ पे करेंगे, जबकि स्टंटिंग को हम एट एनी कॉस्ट 38% के आसपास कम करने का टारगेट यहाँ पे रखा गया है। तो ये आपको टारगेट ऐसे स्कीम के बारे में पता होना चाहिए, यूपीएससी कई बार पूछ लेती है डायरेक्टली, तो हमें इनका फैक्ट है वो सारा याद रखना है। अब देखो माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया रखना है गवर्नमेंट को 2022 तक, तो ये सारे स्टेप यहाँ पे उठाए गए हैं। जैसे मैंने देखो आपको यहाँ पे मेंशन भी किया है कि स्टंटिंग है, अंडर न्यूट्रिशन है, एनीमिया हुआ, लो बर्थ वेट के बच्चे हैं, इनको हर साल 2%, 2%, 3%, 3% किसके लिए है, एनीमिया के लिए, और जो लो बर्थ वेट के बच्चे हैं उनको 2% हर साल कम करना है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये अभियान बताया। इसी के साथ देखो पहले इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ और थी, वो हम पहले देखते हैं, फोर्टिफाइड राइस को लेके। क्या है वो? देखो कुपोषण से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने एक फोर्टिफाइड राइस स्कीम, एक प्रोग्राम स्टार्ट है, वो क्या था? इसमें होगा क्या कि जो हमारे राइस है ना, जो हम नॉर्मल चावल खाते हैं, क्योंकि देखो राइस है वो वर्ल्ड का एक बहुत ही सबसे बड़ा स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड वो होता है जिसको हम डेली कंज्यूम करते हैं, जैसे कि गेहूँ हुआ, चावल हुआ, बाजरा हुआ, ऐसे ही स्टेबल फूड में काउंट होते हैं। तो राइस है वो विश्व में सबसे ज़्यादा खाया जाता है डेली कंज्यूम में, और जो राइस है वो इजीली अवेलेबल भी हो जाता है हर जगह पे। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं कि भाई जो राइस है ना, इसमें कुछ न्यूट्रिशंस वगैरह, कुछ विटामिन्स हैं, इसी के साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम या जिंक वगैरह की थोड़ी कमी होती है, तो उसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है, एक कृत्रिम राइस बनाए जाते हैं। मतलब जो कृत्रिम राइस बनेंगे उसमें फोलिक एसिड भी होगा, आयरन भी उसमें होगा, विटामिन्स भी होगा, कैल्शियम भी होगा, मैग्नीशियम भी होगा, जिंक भी होगा, विटामिन देखो B12 हुआ, इस तरीके से काफ़ी सारे विटामिन उसमें
ऐड किया जाएंगे। मतलब आप ये बोल सकते हो कि एक कृत्रिम राइस तैयार किया जाएगा, फिर उस राइस को जो हमारा नॉर्मल राइस है इसके साथ मिला के खाया जाएगा। ये को आपको मैंने इसका मोटो बेसिक सा आपको समझा दिया है। बाकी आप इसके बारे में FSSAI है उससे की वीडियोज़ वगैरह भी देख सकते हो कि भाई किस तरीके से फोर्टिफाइड राइस है वो बनाए जाते हैं। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि ये वो GM क्रॉप नहीं है। इसमें क्या होता है, जो बाहर से आयरन मैग्नीशियम वगैरह है इनके कृत्रिम राइस बनाए जाते हैं, यानी कि चावल जैसे ही दाने बनाए जाते हैं, फिर उनको नॉर्मल चावल के साथ मिक्स करके और नॉर्मल जो हम उबाल के खाते हैं उसी तरीके से खाया जाएगा। तो ये है फोर्टिफाइड राइस का कॉन्सेप्ट। अभी नीति आयोग ने एक रोड मैप तैयार किया है मोटा मोटा खाका कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ जो फूड पब्लिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनके जो हमारा PDS सिस्टम है ना, इसमें भी फोर्टिफाइड राइस को इंक्लूड किया जाए ताकि हमारे देश में जो कुपोषण की गंभीर समस्या है इससे दूर या इससे निजात है वो हमें मिल सके। तो इसको पायलट स्कीम के तौर पर इंडिया में इम्प्लीमेंट है वो भी किया जाना है। तो हमें ध्यान रखना कि फोर्टिफाइड राइस क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो आया है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जायद। देखो वैसे तो ऑर्डर ऑफ जायद का जो अनाउंसमेंट है वो इस साल अप्रैल में ही कर दिया गया था। ये UAE का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है जो कि भारत के प्रधानमंत्री को दिया जाना था। तो अभी आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री UAE यात्रा पे गए हुए थे तो उन्हें इस अवार्ड से नवाजा है वो गए हैं। ये ध्यान रखना है UAE के जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो सिविलियन अवार्ड है, ये फैक्ट आपको थोड़ा पता होना चाहिए। देखो वैसे भारत के प्रधानमंत्री को पिछले साल और इस साल कुल मिला के आई थिंक 7 से 8 ऐसे अवार्ड हैं वो मिले हैं। तो उनका नाम आपको याद रखना कि कौन कौन सी कंट्री से वो अवार्ड हैं वो मिले हैं, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, UPSC इसके बारे में पूछ सकती हैं। अब थोड़ा UAE के बारे में हम एक्सटर्नल फैक्ट देख लेते हैं जो कि करंट अफेयर्स से थोड़ा अलग हटके हैं। देखो UAE है वो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, मतलब इंडिया का और UAE का है वो वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे सबसे बड़ा ट्रेड है वो हो रहा है इंडिया के नज़रिए से। और इंडिया और UAE का जो ट्रेड है बायलेटरल ट्रेड है ये लगभग $60 बिलियन का है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया और UAE के बीच में लगभग $60 बिलियन का ट्रेड है वो होता है। इसी के साथ ही हम बात करें जो UAE है वो इंडिया के लिए लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, किसका, क्रूड ऑयल का, फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो क्रूड ऑयल है वो चौथे नंबर पे UAE से इंडिया है वो आता है, ये आपको कुछ फैक्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है NAFED यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या है वो हम देखते हैं। देखो बात ऐसी है कि जो डेली सप्लाई चेन है और उसमें आपको पता कि ऑनियन की डिमांड बढ़ती जा रही थी, इसीलिए जो NAFED के पास जो स्टॉक था उसको अभी इंक्रीज, मतलब उसकी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया गया है। यानी कि जो बफर स्टॉक है वहाँ से प्याज को डेली मार्केट में निकाला जा रहा है ताकि डेली सप्लाई प्रभावित ना हो। यह है बेसिकली यहाँ पे कंटेक्स्ट आया, आप बोल सकते हो कि न्यूज़ क्या है। अब हम देखते हैं कि NAFED है क्या। देखो NAFED है ना वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि बनाई गई थी 1958 में। कौन से एक्ट के तहत, 1860 का जो हमारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके तहत इसका निर्माण है वो किया गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत, कि आपको ध्यान में रखना है। इसका काम ये है कि हमारे देश में जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी वो प्रोडक्ट जो कि एग्रीकल्चर द्वारा प्रोड्यूस होते हैं उसके बेनिफिट किसानों को मिलें और उनकी मार्केटिंग है वो की जा सके, ये काम बेसिकली इसके द्वारा किया जाता है। अब देखो जैसे थोड़ा आपको एग्जाम्पल बताऊँ कि जो काफ़ी इसके द्वारा काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि उनकी मार्केटिंग हो सके। इसी के साथ ही जो प्रमोट किया जाता है प्रोडक्ट्स को और जो डेवलपमेंट मार्केटिंग है उस पर फोकस किया जाता है। इसी के साथ ही जो एग्रीकल्चर प्रोसेस, एग्रीकल्चर आइटम्स होते हैं उनके ऊपर प्रोसेसिंग प्रोसेस, मतलब किस तरीके से उसको प्रोसेस करना है। इसी के साथ ही जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, इनको कैसे हमें प्रमोट करना है मार्केट में, कैसे उनकी डिमांड्स है उसको प्रमोट करना है, तो इन चीज़ों पर फोकस किया जाता है। देखो आपको बताएं अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रोसेस करके बेचा जाएगा तो उसकी कीमत अच्छी खासी मिलती है। प्रोसेस करने का मतलब उससे थोड़ा मॉडिफाइड करके, जैसे कि ये देखो मान लो कि गेहूं है, अब गेहूं को अगर आप मार्केट में सीधा बेचोगे तो 2000 रुपये पर क्विंटल या मान लो कि 2500 रुपये पर क्विंटल आपको मिल जाएगा। बट अगर वहीं आप गेहूं की ब्रेड वगैरह बना के या कुछ और बेचोगे तो वो काफ़ी महंगी होगी। तो उसको बोलते हैं प्रोसेस करके, यानी कि आइटम को आप प्रोसेस करके बेचते हो जो अच्छी इनकम है वो होती है। और यही इसका मोटो होता है जो ये कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है इसी का। ये हॉर्टिकल्चर को भी प्रमोट करती है, UPSC पूछ सकती हैं
कि भाई हॉर्टिकल्चर इसमें आता है या नहीं आता, या फिर ओनली जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उन पे फोकस कर रही है। इसी के साथ फॉरेस्ट प्रोड्यूस को भी इसमें शामिल किया गया है, और जो प्रोडक्ट हैं आप बोल सकते हो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है उस पर भी ये काम करती है, और इसी के साथ ही प्रोडक्ट्स को मार्केट में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है उस पर भी इसके द्वारा काम है वो किया जाता है। तो ये थी कंप्लीट जो हमने देख लिया नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये थी देखो आज की हमारी न्यूज़। तो फिलहाल की न्यूज़ में इतना ही है, तो थैंक यू, थैंक यू मच फॉर डिस्कशन।